Hello guys, welcome back in my V zone. This is Nadirelli. Today we are going to react on types of people in lift by Angry Prash. तो दोस्तों यार सजेशन के साथ आ गए हम Angry Prash की टाइप ऑफ लिफ्ट। इससे पहले नादिरेली का टाइप ऑफ लिफ्ट सीखे थे, उसमें वो प्रैंक था ना। हाँ तो वही तो yes. अभी तो लेट्स चेक इट आउट। यही था ना, टाइम कुछ ऐसे ही था। राइट राइट, कुछ लड़के भी आते हैं अभी तो कुछ देर पहले। I love Nadirelli, so I can't forget any video of Nadirelli. So let's check it out. इसमें हम Angry Prash के कर रहे हैं। हाँ, तो Angry Prash का टाइप आप I hope सबके साथ लिफ्ट में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जो बहुत फनी होगा, जो बहुत you know tricky। तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास के साथ क्या? पता क्या हुआ था? मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी सिस्टर का बेबी क्रॉल करते हुए लिफ्ट में चला गया था और लिफ्ट बंद हो गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी क्योंकि वो उसको चलाता नहीं। फिर ऊपर से एक आंटी थी जो उसको लिफ्ट में नीचे ले गई क्योंकि लिफ्ट ऊपर चली गई थी। तो मैं उस समय तक मेरी ऐसे जान। तो तुम सीढ़ियों से क्यों नहीं भागी? मैं भागी, मैं थोड़ी देर बाद जब तक होश आया कि भागना चाहिए तब तक भागी। पहले मैंने उसको देखा और सडनली बंद हो गया, फिर उसके बाद वो छोड़ता हो जाए और मैं ऊपर भागी। फिर मेरी आंटी जो ऊपर रहती थी उन्होंने उसको पकड़ा है, मुझे बोला कि देखो इसको। एक्चुअली हमारा जो गेट था मेन वो लिफ्ट से जिस सामने था तो वो क्रॉल करते करते चला गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सो दोस्तों यार ऐसा हो जाता है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और इसी से साथ जुड़े देखते हैं क्या। अंबेडकर हॉस्पिटल याद है? हाँ क्या हुआ था फिर? कोई कपल कुछ कर रहा था, वो लिफ्ट ऐसे खुल गई। हाँ वो तो एक तगड़ा वाला सीन था। कुछ कर रहे थे क्या? मतलब क्या कर रहे थे? ऑब्वियस जो चीज करते हो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, वो हग कर रहे थे। हाँ, सो हॉस्पिटल था तो हम लोग ऐसे सामने सारे ग्रुप में खड़े थे और ऐसे लिफ्ट खुल गई और देखते क्लिक करती। So awkward, वो awkward था, awkward चीज़ थी बस वो। फिर उस चीज़ को हमें उन्हें भी हो रहा था और हमें भी हो रहा था। हाँ, तो फट ओह ये बंद हो वाला। So let's check it out, इसमें क्या कुछ है? Here we go. गाड़ी अरे संदीप लिफ्ट से चल। अरे नहीं नहीं आप जाओ आप जाओ। अरे चलो अच्छा है, 10 मिनट में इंटरव्यू है। ये तो पहुँचेगा नहीं, मतलब मेरी नौकरी पक्की। वाह लिफ्ट आ गई। कौन सा फ्लोर था? हाँ 37। क्या है? नीचे जा रही है, चल भागे ऐसे अनपढ़ गवार। हाँ ये तो होता है। कोई नहीं इधर गए। ए किसने बटन दबाया बे? हरामखोर बटन दबा के भागते हो। यहाँ 4 साल इस नौकरी को पाने के लिए इंजीनियरिंग में पिछवाड़ा घिसाया था मैंने। जल्दी चल। अभी कौन है? एक फ्लोर चढ़ना है तेरे को, साले लिफ्ट से जाती है। निकल यहाँ से निकल, साले आलसी लोग। फिर भी तो रुकेगी, लेकिन सीढ़ी से जाना चाहिए था। हाँ अंकल तेरा बाप होगा अंकल। अच्छा ये ले फिर। अबे हरामी बच्चे, तेरे बाप ने जरूर एक सुअर से शादी की होगी तब जाके तू पैदा हुआ है। सुअर के पिल्ले जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू एग्जाम में पेपर लिखने जाए और सुपरवाइजर तेरे आइटम का बाप निकले। ओह नो क्या बोला? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे को इंटरव्यू देने जाना है। वाह बराबर 9 बजे पहुंचाओ। अरे सर किधर जा रहे हो? आज तो आप 9 बजे मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे ना। ए पागल इंटरव्यू आज नहीं कल 9 बजे था। क्या? अरे परशुराम कल इंटरव्यू देने नहीं आया तू? संदीप ये तो करीना वायरस है। लिफ्ट नीचे जा रही है ना? ना नहीं नहीं ऊपर जा रही है। वाह मेरे को भी ऊपर ही जाना है तो छत से कुछ जाना हटो। अरे नहीं नहीं सॉरी नीचे जा रही है। अच्छा चलो मैं भी नीचे वॉक करके आती हूँ। नहीं नहीं ऊपर ही जा रही है। अभी तो कहा नीचे जा रही है? लिफ्ट में मैं हूँ ना तो मैं डिसाइड करूंगा लिफ्ट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। एक बूढ़ी औरत को परेशान करता है, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाजू हट। अरे दूसरी लिफ्ट ले लेना बुड्ढी। मेरे को बाहर निकालो यार लिफ्ट से, क्या बच्चे की जान लेगी भी तू? मजनू 13 दबा। अरे वेट वेट सॉरी यार मेरी एक दोस्त भी आ रही, प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। हाँ हाँ ठीक है। A few moments later. अरे किधर है आपकी दोस्त? आई नहीं अभी तक। अरे यहीं पे बस आई रही होगी। A few moments later. आ गई क्या? हाँ बस आई रही होगी। कितना टाइम हो गया? अरे ये बाबा आ रही है। A few moments later. अबे किधर है तेरी दोस्त? अरे आ रही है रुको मैं फोन लगाती हूँ। हाँ चिंकी किधर पहुँची तू? अच्छा विरार, हाँ तो अंधेरी पास में ही है, जल्दी आ मैंने लिफ्ट रोक के रखी है। किधर मिला वो साला हरामी कुत्ता? उसको तो मैं हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो अरे क्या कर रही है? नेटवर्क ढूंढ रही हूँ भाई साहब। लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। आता है, मेरे को पता है, रुको मैं बताती हूँ। अबे क्या कर रही है ए पागल औरत? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, तो उसको छोड़ मत, पेड़ पे बांध के रख उसको। अरे मैडम मेरी गर्दन अकड़ रही है। भाई साहब इंपॉर्टेंट कॉल है, बस 2 मिनट। हाँ तो उसको पेड़ पे बांध के रख, मैं डंडा लेके आती हूँ। साला बर्थडे कैसे भूल गया मेरा? बर्थडे भूल गया, ओ माय गॉड। अरे यार आने दो ना, प्लीज प्लीज आने दो। अरे लिफ्ट फुल है, ओवरलोड हो जाएगी। नहीं तो क्या? अरे समझा करो, बहुत जोर से पुप्पू आया है। चला जा। हाँ हाँ थैंक यू। मैंने बोला था ओवरलोड होगी। मैडम प्लीज आप बाहर जाओ ना, बहुत जोर से लगी है। ठीक, पता नहीं कहाँ से आ जाते। फिर से 15 मिनट रुकना पड़ेगा बाहर। सॉरी सर, आप जाओ ना बाहर, बहुत बहुत जोर से लगी है। तेरे पुप्पू के वजह से जाने दे रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। अरे लिफ्ट जाने देना, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरे का? बहुत जोर से लगी है, क्या करूँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं क्या करूँ अभी? हो रहा है तूने अभी सबके सामने टट्टी किया। वो 14 फ्लोर पे मिसेस शर्मा रहती है पता है? हाँ वो नीले बालों वाली ना, उसका पति रोज 12 फ्लोर वाली मिसेस पांडे के घर में जाता है। क्या बात कर रही हो? हाँ अरे वो मिसेस पांडे वाइफ है मेरी, और वो शर्मा दही मांगने आता है घर पे रोज। कुछ आवाज आया क्या? नहीं। हाँ तो वो मिसेस पांडे का जो पति है ना, हाँ वो नम्बी नाक वाला, हाँ वही कल चिल्ला रहा था खड़ा नहीं हो रहा। क्या? अरे बेडरूम में बेड खड़ा कर रहा था मैं साफ सफाई के लिए। ये तेरे को आवाज आया क्या? नहीं। हाँ मुझे तो लगता है मिसेस पांडे मिस्टर शर्मा के साथ भाग जाने का प्लान बना रही है। अरे तुम लोगों के पीछे ही खड़ा हूँ मैं, थोड़ी तो शर्म करो यार। वो क्या होते हैं? हाय हेलो, आप 12 फ्लोर पे रहते हो? हाँ मैं 13 पे रहता हूँ। वाह, किधर बाहर जा रहे हो? नहीं लिफ्ट की हवा खाने आया था। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो ना? हाँ बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने। अकेले जा रहे हो? नहीं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। लड़का या लड़की? लड़का। आप गे हो? मैं गे नहीं हूँ, देख मेरे दिमाग का भाजी पाला मत कर। कौन सा भाजी? पालक या मेथी? तेरे पालक का पनीर बना के फेंक दूंगा। अगर फेंकना था तो बनाया क्यों? देख तू मेरा सर मत खा। मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं। अबे मेरे को सीढ़ी लेके जाना चाहिए था। अगर सीढ़ी लेनी है तो थिएटर क्यों जा रहे हो? अबे पिक्चर की सीढ़ी नहीं, उतरने की सीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर चढ़ने के लिए कौन सी सीढ़ी लोगे? मैं कल से पाइप से चढ़ के घर जाऊंगा। अगर आप पाइप से चढ़ोगे तो पानी लिफ्ट से चढ़ाना पड़ेगा। अबे ये लिफ्ट है, वाटर टैंक नहीं। ये लिफ्ट है तो वाटर टैंक किधर है? वाटर टैंक ऊपर टेरेस पे है मेरे भाई। अगर पानी नीचे है तो वाटर टैंक ऊपर क्या कर रहा है? हिला रहा होगा, मेरे को क्या पता, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं आपके पीछे नहीं, सामने खड़ा हूँ। मम्मी मेरे को मूवी देखने जाना है। मम्मी तो फिर मम्मी को साथ में क्यों नहीं लाए? सर अगर आप मर चुके हैं तो मैं आपका पिक्चर का टिकट ले लूँ? मेरे को बाहर निकालो, लिफ्ट से बाहर निकालो, मेरे बाहर निकालो। No. क्या बोलते हो बंदर लोग? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ये थी वीडियो, वेरी नाइस कोरिलेटेड वीडियो एंड वी कैन कोरिलेट विद दिस थिंग्स बिकॉज़ बहुत बार होता है ऐसा। और आपके साथ इसमें से क्या क्या हुआ बताओ? मेरे से सब कुछ हुआ, चिट-चैट करने वाला मैं ही होता हूँ। और ओवरलोड भी रीजन यही होता है। हाँ मतलब मैं इसके चीज मेरे साथ होती ना तो उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं लिफ्ट यूज ही नहीं करता रियलिटी जस्ट, क्योंकि वो बूढ़े बच्चों के बूढ़े व्हील की यार साइड में है तो सीढ़ी से चलते हैं बाय वे यूजिंग लिफ्ट। बट जब बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं दैट ये तो सबके साथ होता है। बट वीर अगर है कि ही कैन गो तो वो वहीं से यूज़ करेगा, वो लिफ्ट नहीं यूज़ करेगा। नहीं करनी चाहिए, वो बूढ़े लोगों के लिए है। क्या करें यार, सब हैं खाते पीते करके तो क्या हो गया, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। सो दोस्तों यार वीडियो अच्छी थी, इसमें टाइप ऑफ जो वो थे बड़े गजब थे। यस, वो चिट चैट वाला, आंटीज वाला, मतलब सुनकर भी अनसुना करना, और वो हमेशा हर बटन प्रेस करने वाला। बड़ा गुस्सा आता है जब आपको कहीं जल्दी जाना हो एंड इतने फ्लोर है कि यू कांट गो विद स्टेयर्स, तो आपको लिफ्ट यूज़ करनी है। और उस समय में सब वो प्रेस हो जाए ना तो इतनी खुंदक आती है जब हर उस पर खुलता है वो फ्लोर पर तो। हाँ और जब जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी हो उस वक्त है ना, एक फ्लोर पे खुल गया तो भाई गॉड मतलब, क्योंकि देखो एज अ नर्स मैंने काफ़ी बार है ना पेशेंट जब ट्रांसफ़र करने होता है वेंटी पेशेंट, और कुछ लोग है ना बीच में आकर उंगलियां कर रहे हैं यार, जाने तो वेंटी पेशेंट है उसको हम एम्बू पे लेकर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है यहाँ पे, क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में भी बहुत बार कुछ लोग मतलब क्या कहते हैं उसे वर्स्ट होते हैं कि उस समय में भी लिफ्ट के बटन प्रेस करना होता है। पता है जिनको कुछ बिल्कुल नहीं पता होता ना कुछ भी, तो वो अपने आप को एक्सीलेंस दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। हाँ तो बता, पहले मैं बोल रहा था ना, तो तुम्हें एकदम से ये तुम्हें पता लगा कि हाँ मैं बोल रहा था, ओ माय गॉड यस ये बोलना था, मैं वो आंटी वाला रिएक्शन, आंटी हो आप तो करोगी। सो दोस्त यार Don't call me auntie. I didn't call you auntie. You said कि मैं आंटी की तरह कर रही हूँ। You call me auntie, then I call you uncle. हाँ सो कोई प्रॉब्लम मुझे, मैं अंकल वैसा हो भी गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकल मैं मत जाना वाली, आंटी मैं मत जाना। नहीं मैंने एक बार एक साइकिल पे जा रहा था मैं, मैंने एक लड़की तो नहीं थी मतलब मेरी एज वही वो ग्रोइंग होता है ना उस वक्त 15-16, हाइट लंबी होती है। ग्रोइंग एज 15-16, स्वीट 16। सुन लेने बोला तो आगे बताओ। हाँ तो मैं जा रहा था तो साइकिल पे वो आंटी को मैंने बोल दिया, नहीं लड़की को, लड़की थी वो, मैंने उनको बोल दिया आंटी एक बार साइड बनना, आंटी दिखूँ बहुत बार हुआ मेरे साथ भी। बहुत बार यार कुछ लड़की को हर्ट होगा, उनको आंटी मत बोलो यार, ठीक है। एक बार इसको भी एक ने आंटी बोले तो उसने बोला, किसी ने आंटी नहीं बोला मुझे, शट अप। अरे तो आप लोगों ने आई होप बहुत सी चीज़ें हैं जो कोरिलेट की होंगी और आप लोगों ने भी ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, जैसे कि मैंने वीडियो से पहले भी बोला था कि काफ़ी चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोरिलेशन है, तो मुझे सब कुछ लगा कि कोरिलेट कर सकता है इंसान। मैं बताता हूँ कि इसको आंटी नहीं बोला, इसी साइड में एक फ्रेंड थी उसको बोला आंटी अपने बच्चे को साइड में करो। सो दोस्तों आपको वीडियो के लिए बताएंगे भगवान की बच्चे शेयर सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन। अगर आपका सेम कुछ एक्सपीरियंस हो, इससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो टिल देन बाय बाय।